Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charam Mangal. जो कार्य हम करने की सोचते हैं वो ना करते हुए हम छोटे छोटे या दूसरी बातों में व्यस्त हो जाते हैं और फलस्वरूप हम वही चौराहे पर पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? प्रश्न में उत्तर छुपा है कि जो कार्य हम करने की सोचते व न करते हुए हम छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं और दूसरी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम खाली सोचते हो, ख्याली पुलाव पकाते हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और आदमी को सपने देखने में जाता क्या है ना, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें, सोचता है ये कर लूंगा वो कर लूंगा, करने के लिए ना दम लगता है, पसीना बहाना पड़ता है, बहुत सारी इच्छाओं को आदतों को छोड़ना पड़ता है, आलस्य को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के कोई घटना अंजाम ले पाती है। अब सवाल ये है कि हम दूसरी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। क्यों व्यस्त हो जाते हो? क्योंकि आप जो करना चाहते हो उसमें आपका संकल्प पूरा नहीं है। जब तक संकल्प पूरा नहीं है, कार्य अपनी परिणति पर पहुंचेगा तो पहुंचेगा कैसे? संकल्प तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो आपका कल्प कल्पना बनता है, संकल्प नहीं बनता। कल्प यानी इच्छा, कल्पना यानी मानसिक चित्रण, और संकल्प यानी मन की एकाग्रता। तो जब तक आपका कल्प खाली कल्पनाएं बन रहा है, सपने देख रहा है लेकिन संकल्प नहीं बन रहा है, तब तक आपका कल्प पूरा कैसे हो सकेगा? तो सवाल ये है कि हम वापस वहीं चौराहे पर पहुंच जाते हैं। तो भैया वहीं पहुंचते कि नहीं हो, वहीं बैठे ही हो, चले ही नहीं थे बेचारे, चलते तो कहीं पहुंचते ही, चले ही नहीं, अब तो खाली सोच में चल रहे थे। सोच को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो एफर्ट्स लेने थे वो तो आपने किए ही नहीं, जो चीजों को छोड़ना था वो तो छोड़ा ही नहीं। अब रही बात, डाइवर्जेंस नहीं आएंगे क्या लाइफ में? डाइवर्जेंस तो आएंगे। आपने रात सोचा था कि सुबह जल्दी 5 बजे उठ करके पढ़ने बैठ जाऊंगा, या अकाउंट का काम निपटाऊंगा, या आज बैठ करके सारा देखूंगा दुकान पे कौन सा माल लाना है कौन सा नहीं लाना है। आपने सोचा सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, अब 5 बजे जब आँख खुलेगी ना, आज तो बहुत सिर दर्द हो रहा है, आज रहने देते ना कल जग जाएंगे, और वो परीक्षा आया, उपसर्ग आया, विचलित हो गए बेचारे। और वो 5 बजे जैसे आँख खुलने की लगेगी, वो पत्नी कहेगी अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी सो जाओ ना, थोड़ी देर और सो जाओ, फिर बाद में उठ जाना, बस अब पत्नी की सुन लो फिर बैठ जाओगे। कैसे कभी पत्नी कहने वाली आएगी, कभी माँ कहने वाली आएगी, कभी बच्चे कहने वाले आएंगे, कभी आपके फ्रेंड्स आएंगे, कभी और कोई नहीं आएगा तो आपका व्हाट्सएप है ना, वो व्हाट्सएप एक बार स्टार्ट कर दो ना, उसके बाद में उसको बंद करने में तो आधा 1 घंटा चला जाता है। न जाने कितने लोगों को हम फॉरवर्ड करते रहते हैं मैसेजेस। तब सवाल ये है कि हम वापस वहीं पर पहुँच जाते हैं। भाई पहुंचते ही नहीं है कहीं पे, जहाँ थे वहीं पड़े रहते हो, क्योंकि खाली सोच में चलते हो। प्रैक्टिकल चलने के लिए आदमी को अपने आप को बदलना पड़ता है, त्याग त्याग मांगता है। उपलब्धि हमेशा त्याग की मांग करती है, बिना त्याग किए कोई मंजिल हासिल नहीं होती है। छोड़ना तो पड़ेगा पुरानी आदतों को, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे कामों को, मनोरंजन को, आलस को, प्रमाद को, इन सबको छोड़ोगे तो आपने जो सोचा है वहाँ तक पहुँचोगे। नहीं तो सोचने में तो कुछ पैसा लगे न टक्का, है ना, लोग बोलते हैं ना पैसा लगे न टक्का, तो सोचने में तो कुछ लगता नहीं है। पहुँचने के लिए तो आदमी को अपने तीनों योगों को एकाग्र करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, वो करो तो पहुँचोगे भी। उपाय क्या है? छोटे छोटे संकल्प लो, उनको पहले पूरा करो ताकि आत्मविश्वास बढ़े, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो थोड़ा संकल्प बड़ा करना, और फिर वो बड़ा संकल्प पूरा कर लो तब थोड़ा और बड़ा संकल्प करना। पहले से बड़ी छलांगें मत लगाओ, संकल्प करो, उसको सिद्धि तक लाओ, धन्यवाद दो, और डाइवर्जेंस से बचो, अपनी सोच को इधर उधर भटकने से बचाओ, और अपनी जीवन शैली को संयम में लाओ। बिना अनुशासन के, बिना संयम के कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जय हो।